हमारे ज़िंदगी के 2 दिन बहुत खास होते हैं। पहला, जिस दिन हमने जन्म लिया। दूसरा, जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि हमने जन्म क्यों लिया। मच अवेटेड फिल्म जॉन इब्राहिम साहब की अटैक मूवी का टीज़र आ गया, और टीज़र देखने के बाद भाई साहब क्या दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, ऐसा लगा कि हॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है और उसमें जॉन इब्राहिम साहब क्या एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा कह सकते हो आप लोग। और अगर इस फिल्म की कहानी में आप लोग को थोड़ी बताओ, कहानी तो बिल्कुल पता ही नहीं चली। ट्रेलर देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आया कि कहानी है क्या इस फिल्म की। बस इतना पता चला कि जॉन इब्राहिम साहब एज अ सुपर हीरो नज़र आने वाले हैं। अगर आप लोग ने मार्वल्स की कैप्टन अमेरिका देखी होगी तो उससे कुछ मिलता जुलता आपको नजर आएगा। सुपर कॉप नजर आएंगे जॉन इब्राहिम एक तरीके से। और अगर आप लोगों ने टीजर नहीं देखा तो जरूर जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टीजर का। बहुत ही बढ़िया टीजर है भाई साहब, मतलब मजा आ जाएगी आप लोग को देखने के बाद। मतलब पलक झपकते झपकते सीन्स बदल रहे हैं, ये हो रहा है, फाइट हो रही है। और अगर मैं बताऊं, इससे पहले भी बहुत सारी बॉलीवुड में सुपर हीरो पे मूवी बन चुकी है। अगर आप देखो तो भावेश जोशी, मेरा भी नाम है थोड़ा बहुत, और दूसरा रावण, अभी शाहरुख खान साहब ने एक मूवी बनाई थी। मतलब वो सब इस लेवल पे नहीं आ पाई जिस लेवल पे अगर अटैक आ गए। और अटैक पार्ट 1 आई है, मेरे ख्याल से इसका पार्ट 2 भी आएगा, और अच्छा रहा तो पार्ट 3, 4, 5 जैसा भी हो सकता वो तो आएगा ही आएगा। बट कहानी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है इस फिल्म की। कहानी अगर मैं बात करूं, जितना मुझे समझ में आया, कहानी यह है कि रॉ एजेंट है या स्पाई है, कुछ इस तरीके का माहौल बनाया गया है। और बस यही है, कहानी को देखने के लिए आप लोग को 1 अप्रैल तक रुकना पड़ेगा क्योंकि फिल्म 1 अप्रैल को ही रिलीज होगी। और उससे पहले हम एक बात करते हैं, अगर आपको भी फिल्मों में काम करना है तो उसके लिए आपको ऑडिशन देने पड़ेंगे, जैसे मैं भी देता रहता हूँ ऑडिशन टाइम टू टाइम। अगर आपको भी ऑडिशन देना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जरूर जाके वहाँ पर विजिट करो। वहाँ पर डेली कास्टिंग डायरेक्टर आके अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्ट उन कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल या मोनोलॉग शेयर कर सकते हो दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक उस पेज पर विजिट किया, उन लोग को रोज़ सुबह 10 बजे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आता होगा ऑडिशन अपडेट से रिलेटेड। तो चलिए अब हम बात करते हैं अटैक फिल्म के बारे में, कि अटैक फिल्म बनी कहां पे, कैसे बनी, इसकी कंट्रोवर्सी क्या थी, छोटी छोटी बातें और मोटी मोटी बातें। सबसे पहली बात, मैं इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करता हूं। स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे जॉन इब्राहिम साहब, अमेजिंग लग रहे हैं। मतलब वो सिक्स पैक आप आए हैं, मजा आ जाएगा। मतलब फेवरेट है तो भाई अच्छा तो लगता है। दूसरे में आपको नजर आएंगे जैकलिन फर्नांडिस, और साथ ही साथ आपको रकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगे इस फिल्म में थोड़ा बहुत जगह। ओके दोस्तों, तो ये है स्टार कास्ट। और अगर इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करूं तो डायरेक्टर हैं लक्ष्य राज आनंद, जो कि इससे पहले रॉकेट सिंह फिल्म को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, और बहुत सारी फिल्मों की इन्होंने राइटिंग भी की है, मतलब लिखा भी है। जैसे रॉकेट सिंह इन्होंने लिखा भी है। और अगर इस लिखने से ही बात को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं ये भी बता देना चाहता हूं इस फिल्म के राइटर कौन है। सबसे पहले तो लक्ष्य राज आनंद साहब तो इस फिल्म के राइटर हैं ही, और साथ ही साथ सुमित द्विवेदी, जिन्होंने मिशन मजनू, जो कि आने वाली है सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म, उसमें मैं भी नजर आऊंगा आप लोग को। छोटा मोटा प्रमोशन तो मैं भी कर सकता हूँ मिशन मजनू का, क्यों नहीं कर सकता हूँ। और साथ ही साथ आपको विशाल कपूर भी इस फिल्म की राइटिंग में नजर आएंगे, जो कि बहुत सारी तमाम फिल्मों की ऑलरेडी राइटिंग कर चुके हैं, मतलब लिख चुके हैं उसको। अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा सा और आगे, बात करते हैं इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर, मतलब कैमरा किसने संभाला, किसने सिनेमाटोग्राफर वाले शॉट लिया। इस सिनेमाटोग्राफर का नाम है PS विनोद, जिन्होंने 30 मार्क खां फिल्म का भी सिनेमाटोग्राफी की थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर बॉलीवुड फिल्म की बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड फिल्म में तो म्यूजिक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शाश्वत सचदेव ने, जो कि इससे पहले अनुष्का शर्मा की फिल्लौरी में भी नजर आए हुए थे, और साथ ही साथ विक्की कौशल की उरी फिल्म में भी इन्होंने ही अपना म्यूजिक दिया था। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, कि इस फिल्म में पैसे लगे कितने। इस फिल्म को बनाने का जो बजट था वो 100 करोड़ रुपए लग गया, सोच लो। मतलब इतनी बड़ी और भारी फिल्म, और इतनी बड़ी फिल्म बनाई गई, और फिल्म में पैसा 100 करोड़ रुपए लगाया, तो मतलब किस किस ने लगाया। सबसे पहले तो जॉन इब्राहिम साहब खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मतलब उन्होंने खुद अपना पैसा लगाया, और साथ ही साथ जयंती लाल घड़ा, जो कि इस फिल्म में अपना पैसा लगाए हुए हैं। और पैसे लगाने की बात आई तो अजय कपूर साहब हैं, वो भी अपना पैसा इस फिल्म में लगाएं। अगर आप देखो तो 33, 33, 33.33 इतना सब लोग अपना लगाए होंगे, बट ये मुझे कन्फर्म नहीं पता, किसी ने 50 करोड़ रुपए लगाया होगा, किसी ने 30 करोड़ रुपए लगाया होगा, किसी ने 20 करोड़ रुपए लगाया, ऐसा भी हो सकता है। ओके दोस्तों, ये तो बात होगी प्रोड्यूसर की। अब बात करते हैं प्रोडक्शन हाउस, इस फिल्म का प्रोडक्शन कौन संभाल रहा है। सबसे पहले तो पैन इंडिया लिमिटेड इस फिल्म का प्रोडक्शन संभाल रहा है, और साथ ही साथ इसका AK प्रोडक्शन भी इस फिल्म का प्रोडक्शन कर रहा है, और साथ ही साथ JA एंटरटेनमेंट भी इस फिल्म का प्रोडक्शन कर रहा है। और ये फिल्म रिलीज होगी 1 अप्रैल को दोस्तों, जरूर जाके देखना। अगर अच्छा यार 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल है। वैसे टीजर तो इतना बेहतरीन काटा है, अगर
टीज़र के हिसाब से अगर ये फिल्म रही तो देखने में मज़ा आ जाएगा, अगर टीज़र के हिसाब से नहीं रही तो अपना अप्रैल फुल बन सकता है दोस्तों। बट ज़रूर जाके एक बार देखना इस फिल्म को थिएटर में, बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन मूवी है। जिस हिसाब से टीज़र था उस हिसाब से देखने में यही लग रहा है। ओके दोस्तों, तो बस आज के लिए हम अटैक मूवी के ही बारे में बात कर रहे थे कि जो बस जल्दी रिलीज होने वाली है, तो ज़रूर जाके देखिएगा। और अगर ऑडिशंस देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। इसी तरीके से मैं आप लोग को अपकमिंग मूवीज़ के बारे में बताता रहूँगा। इसी तरह आप मुझे सब्सक्राइब करते रहो और नई नई वीडियो पाते रहो। जय हिंद, जय भारत।